नेक्स्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान प्रवीण कुमार। ग्यारह की बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले जब आपका नाम ऐलान हुआ, बाद में 8 फरवरी को हमें पता चला कि आप वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मेरी एल्बो में चोट लग गई थी। टूर्नामेंट खेलना, बड़ा टूर्नामेंट, तो कभी कभी आदमी चोट छिपा लेता है। मेरे मन में यही था कि चोट छिपानी नहीं है, टीम को नुकसान नहीं कराना, ठीक है, तू नहीं रहेगा, कोई और आएगा। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कब और कैसे कॉल आया, कहाँ थे आप? एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो यहाँ नाम आ गया, चलो ठीक है। इतना ही माइल्ड रिएक्शन था आपका, चलो ठीक है आ गया, या थोड़ा? धोनी भाई ने जब पहली बार बॉल हाथ में दी कि यहाँ पीके उधर से डालना, में कहा थे। आपके पहले कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, कैसे व्यक्ति हैं वो? और सीधे आदमी है, नॉर्मल आदमी। अभी आप संपर्क में होंगे? हाँ जी, हो जाती है बात, मतलब घुमा फिरा के। एक इमेज बना दी गई लोगों के सामने कि प्रवीण कुमार पीके शराब पीत के बेकाबू हो जाता है, और फिर ये तो छवि बना दी कि हाँ इसकी छवि बिगाड़ दो, अब बिगाड़ लो। तो जब आप इंडियन टीम में गए तो कभी किसी सीनियर प्लेयर ने कहा कि यार प्रवीण ये चीजें ठीक कर लो वरना दिक्कत होगी? ड्रिंक नहीं करनी। किसने कहा? सीनियर प्लेयर जितने भी थे, करते समय बदनाम कर देते हैं। पीके तो ड्रिंक करता है, पीके तो शराब पीता है, सब पीते हैं। जो आपके समय में थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, ये सब ये सलाह देते थे। दोस्त हैं आपके इंडियन क्रिकेट टीम में कोई, आपके जमाने के, रोहित शर्मा, सुरेश रैना? सब अपने भाई हैं, सब दोस्त। सब कहेंगे तो फिर इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने आपको बदनाम किया? ना, वो दोस्त नहीं है। आपके पास ऑफर आया कोच बनने का? मैं जी हजूरी नहीं कर सकता ना भाई, तुझे रखना है तो रख, नहीं रखना मत। जी हजूरी बहुत करनी पड़ती है। हाँ, यस मैन तो बनना पड़ता है ना। बोर्ड का, सिलेक्टर्स का, कप्तान का, किसका? तो आपको लगा कि 18 में कोई फ्रेंचाइजी आपको बॉलिंग कोच के तौर पे बुला लेगी? रणजी ट्रॉफी में मुझे नहीं बुलाया कि पीके बच्चों को कुछ बता दे, तो क्या उम्मीद रखूं मैं? क्या वजह रही कि हाँ तो ड्रिंक करता? अरे भाई ग्राउंड पे ड्रिंक थोड़ी करता हूँ मैं, या ड्रेसिंग रूम में बोतल खोल ली बनना। प्रवीण कुमार को गुस्सा आता है या फास्ट बॉलर्स को गुस्सा आता है? थोड़ी बहुत तो गर्मा गर्मी होगी ना, फास्ट बॉलर थे। क्या दिल किया रगड़ दे यही अंपायर को? बैन हो जाता मैं, इसलिए नहीं रगड़ा। हाँ जी, नहीं तो रगड़ देते। रेफरी को आपने गाली नहीं दी थी? रेफरी को वैसे कैसे गाली बक दोगे आप? नहीं नहीं, मैं तो किसी को नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, क्या हुआ था 2012 में? नेट्स पे थे आप? मेरी अपनी कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, रोहित शर्मा की हुई थी। रोहित को गाली वगैरह के हाथ में स्टंप था तो जगह नहीं मिली ना उधर से निकलने की। इंग्लैंड में एक और झगड़ा हुआ था आपका, गिरबान पकड़ा? सिर्फ गिरबान तो नहीं पकड़ा, मार तो सकते ना आप किसी, नहीं तो फिर बोर्ड धमकाता। तो अंग्रेजों को तो समझ में आता होगा जब सब आता है भाई साहब, सब तो गाली सीख गए, हमारे वाली सीख गए। पाकिस्तान वालों को तो पूरी समझ में आती होगी। कैसा तजुर्बा रहा आपका उनके साथ? ठीक है, झूठे हैं। कैसे झूठे, थोड़ा बताइए। शो ऑफ नहीं होता, करेंगे कुछ दिखावेंगे कुछ। फुकरा बंदी। हम लोगों ने ये सुना था स्विंग बॉलिंग में पाकिस्तान के गेंदबाजों, खासतौर पर रिवर्स स्विंग में कोई उनका मुकाबला नहीं। फिर ये भी कहा गया कि ये लोग बॉल की टेम्परिंग वगैरह करते हैं। थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं भाई, वो कुछ ज्यादा करते थे। कैसे करते थे? खुरस देते हैं एक साइड से। बड़े ईमानदार हो यार आप, कैसे गुजारा होता है? वो करवा रहा है भाई साहब। थैंक यू, आपसे बात करना मेरे लिए एक इंटरव्यूअर के तौर पे बहुत ही सबक सिखाने वाला रहा है। आपने तो बात ही ऐसी बता दी कि आगे भराई थी।